हेलो फ्रेंड्स, आज हम आलू गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे। फ्रेंड्स, तो ये देख सकते हैं, मैंने गोभी और ये आलू लिए हैं। तो सबसे पहले हम गोभी कट करेंगे और गैस पे पानी चढ़ा देंगे एक पैन में। फ्रेंड्स, तो गोभियों को फ्रेंड्स हम ऐसे कट करेंगे, फूल ना टूटे। ये हमेशा नीचे की तरफ से इसको छोटा किया जाता है, ऊपर से करेंगे तो फूल जो है वो टूट जाएगी। जैसे आप पीस रखना चाहते हो, बड़ा छोटा, और गोभी थोड़ी बड़ी ही पीस रहती है, नहीं तो बिल्कुल फिर टूट जाती है। कोई कोई डंडी बहुत सॉफ्ट होती है इसकी, ये डंठल, और अगर हार्ड है फ्रेंड्स तो इसको हल्का सा छील लीजिए, ताकि नहीं तो ये पकेगी नहीं, फिर ये कच्ची रह जाएगी। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ऐसे गोभियों को काट लिया है। आलू को भी हम थोड़ी बड़ी पीस में काटेंगे। पानी गर्म हो गया, इसमें हम गोभी को डाल देंगे। इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे फ्रेंड्स, तब तक और तैयारी कर लेते हैं। आलूओं को भी देख सकते हैं, ऐसे बड़ी पीस में हम काटे हैं डाइस में। अब इसको भी अच्छे से धुल लेंगे दो बार। तो ये देख सकते हैं, इसको स्ट्रेनर की मदद से हम छान लिए हैं फ्रेंड्स, ताकि पानी ना रहे। और ऑयल रख दिए हैं, सरसों का ही तेल इस्तेमाल किए हैं, ये गर्म होने देंगे पहले। तो सबसे पहले हम आलू गोभी फ्राई करेंगे। तेल हो गया फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गोभी डालेंगे। को हल्के हाथ से चलाएंगे, नहीं फूल टूट जाएगा फ्रेंड्स। और गोभी तो तुरंत अगर बनाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट गोभी रहेगी तो और जल्दी टूटेगा। तो उलट पलट के अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मिर्च स्वाद के अकॉर्डिंग लीजिए, अदरक है, लहसुन है, इसको हम कूट लेंगे चाहे ग्राइंड कर लेंगे। ये दो प्याज को मैंने बारीक काट लिया फ्रेंड्स। टमाटर की प्यूरी बना लेंगे। गोभी हो गई अच्छे से, देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसको हम निकाल के आलू भी फ्राई कर लेंगे। इसमें ही उलट पलट के अच्छे से हम आलूओं को भी लाल कर लेंगे। सब्जी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रखिए फ्रेंड्स, कि आपको कितने व्यक्तियों का बनाना है। जैसे हम 3 व्यक्तियों के लिए बना रहे हैं, तो इतनी सब्जी पर्याप्त है। मैंने जितनी बड़ी गोभी ली थी उसको मैंने पूरा कट नहीं किया था। आलू देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे, गोभी में हम इसको भी निकाल के रख देंगे। तड़का है फ्रेंड्स तेज़पत्ता, जीरा और हींग। हींग ज़रूरी है क्योंकि गोभी गैस बनाती है, इस वजह से हींग डालिए। अब इसी में हम प्याज डालेंगे और प्याज को भूनेंगे गोल्डन ब्राउन। मसाले देख लीजिए फ्रेंड्स, धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और ये लाल मिर्च, हम काश्मीरी लाल मिर्च लिए हैं फ्रेंड्स। आप इस जगह पे अगर बहुत तीखा पसंद करते हो तो लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं। प्याज देख सकते हैं फ्रेंड्स भुन गई। अब इसमें हम ये अदरक लहसुन मिर्ची जो कूट के रखे हैं उसको हम डाल देंगे और थोड़ा सा इसको भी भुनेंगे, इसका कच्चापन निकल जाए। भुन गए फ्रेंड्स, हम इसमें मसाले डाल देंगे। और इसमें लगभग 1 कटोरी हम पानी डालेंगे 1 कप के बराबर, और इतने ही मसालों को अच्छे से हम भूनेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे और जलेंगे नहीं, और प्याज जो है वो अच्छे से गल जाएगी। मसाला अच्छे से भुन रहा है, इसमें हम कसूरी मेथी ऐड कर देंगे। इसी टाइम अगर ऐड कर दीजिए तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। मसाले भुन गए फ्रेंड्स, अब हम इसमें ये टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे और टमाटर का कच्चापन निकल जाए तब भुनेंगे। थोड़ा ये भी ऑयल सेपरेट कर देगा फ्रेंड्स। मसाले अच्छे से, टमाटर सब कुछ भुन गया फ्रेंड्स। भुनने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगा है फ्रेंड्स। अब ये डालेंगे आलू गोभी और मिला देंगे बहुत हल्के हाथ से, ताकि गोभी के फूल टूटे नहीं फ्रेंड्स। अब इसमें हम उतना पानी ऐड करेंगे जितनी हमको ज़रूरत हो। चावल से खाना है, रोटी पूड़ी पराठे किससे खाना है। लगभग 300 ml पानी ऐड करेंगे।
कलर देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा आया है, ये खोलने लगा। अब इसमें हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार हम खोल कर देखेंगे इसको कि सारी चीज़ें पक गई हैं कि नहीं। तो अभी थोड़ा सा कसर है फ्रेंड्स, तो अभी इसको हम फिर से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो फ्रेंड्स सब्जी अच्छे से पक गई, इसमें हम धनिया पत्ती डालेंगे और फ्लेम बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारी बहुत टेस्टी आलू गोभी की सब्ज़ी बन के रेडी है। आप इसे चावल रोटी जिससे भी चाहे एंजॉय कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए, और रेसिपी पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।